हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम क्लासेस पे। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन। हम पढ़ रहे हैं बायो मॉलिक्यूल चैप्टर। तो इससे पहले हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं। आज हमने स्टार्ट किया है प्रोटीन को, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रोटीन जो होता है प्रोटीन जो वर्ड है प्रोटीन वर्ड आया प्रोटियोस से, जिसका मीनिंग होता है प्राइमरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो प्रोटीन इम्पोर्टेंट होता है हमारी बॉडी का, तो मैक्सिमम जो पार्ट है वो प्रोटीन का ही बना। अब देखिए प्रोटीन क्या होते हैं। प्रोटीन्स आर पॉलीमर और अल्फा अमीनो एसिड। ये क्या होते हैं? अल्फा अमीनो अम्ल के पॉलीमर होते हैं। कौन? प्रोटीन्स। और इनके बीच में क्या होता है? अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म बिटवीन अमीनो एसिड। जो अमीनो एसिड्स हैं उनके बीच में क्या बनते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। इसीलिए जो प्रोटीन है इन्हें हम पॉली पेप्टाइड भी कहते हैं। पॉली पेप्टाइड, क्योंकि इनके बीच में क्या बनता है? पेप्टाइड। और अगर हम बात करें डेफिनेशन, प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड बाई मोर देन 100 अमीनो एसिड्स, मोर देन 100 एसिड्स एंड देयर मॉलिक्यूलर मास एंड देयर मॉलिक्यूलर मास इज मोर देन 10,000 यू योर टारगेट। तो वो क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। क्योंकि प्रोटीन्स होते हैं अमीनो एसिड्स के पॉलीमर, तो पहले हम अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं। ये अमीनो एसिड क्या है? ठीक है, अमीनो एसिड पहले इनके बारे में बात करें। अमीनो एसिड जो है उनकी स्ट्रक्चर अगर हम देखें क्या होती है। सबसे पहले अमीनो एसिड के पास दो ग्रुप होते हैं, मतलब पहले अगर ये जो कार्बन है इसकी चार वैलेंस से पहले हाइड्रोजन से जुड़ा, ये मैथेन। अब इसकी जो ये चार वैलेंसीज हैं अगर इनको रिप्लेस कर दिया जाए चार डिफरेंट कंपाउंड से, मान लो यहाँ तो हाइड्रोजन है, वन साइड हम NH2 ले लेते हैं, वन साइड COOH एंड देन वन साइड, तो ये है एमिनो एसिड। ठीक है, एमिनो एमिनो एसिड में बेसिकली चार ग्रुप देखने को मिलते हैं। हाइड्रोजन, जस्ट हाइड्रोजन, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। जो एल्किल है, दिस इज क्या है? ये है एल्किल ग्रुप। इसी एल्किल ग्रुप, ये क्या है? डिफरेंट होता है। एवरी अमीनो एसिड जो डिफरेंट होता है मोस्टली एल्किल ग्रुप का होता है। इसी एल्किल ग्रुप का डिफरेंस के कारण डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं। इसके बाद बात करें तो NH2 समूह ये होता है अमीनो समूह, अमीनो ग्रुप है ना। और बात करें तो इसमें एक होता है कार्बोक्सिलिक
होता है? कार्बोक्सीलेट ग्रुप। सो अगर हम जनरल में बात करते हैं, अमीनो एसिड कंटेन 1 एमिनो ग्रुप एंड 1 कार्बोक्सिलिक। दैट्स व्हाई तो क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है एमिनो एसिड। ठीक है, तो ये जो अमीनो एसिड है इनमें, क्योंकि हमने देखा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एमिनो ग्रुप है, यहाँ पर जो एमिनो ग्रुप कैसा होता है, ये बेसिक नेचर का होता है और कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप ये कैसा होता है, ये एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर। क्योंकि एमिनो एसिड में एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप उपस्थित हैं, इसीलिए ये कह सकते हैं ये एम्पी पैथिक फीचर शो करता है। एम्पीथेटिक फीचर कैसे शो करता है, देखो इस स्ट्रक्चर से बात करते हैं। जैसे मान लो ये यहाँ पर सिंपली हम शो कर रहे हैं पैथिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये है हमारे एनिस्ट्रिया अमीनो ग्रुप। यहाँ आठ, देखिए जब इसे हम रखते हैं एसिडिक मीडियम, इस कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम, जब इसे हम एसिडिक मीडियम में रखते हैं तो ये शो करता है बेसिक कैरेक्टर। जब ये बेसिक कैरेक्टर शो करता है तो इसका जो हाइड्रोजन है ये, सॉरी जब ये बेसिक कैरेक्टर शो करता है ये एसिडिक मीडियम से क्या कर लेता है, एक प्रोटॉन रिसीव कर लेता है और बनाता है यहाँ पर एक अमोनियम आयन बन जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि नाइट्रोजन पर एक लॉन्ग, इस तरह से ये एक आयन बनाता है, क्या बना लेता है, अमोनियम आयन बन जाता है। ये कौन सी शो कर, ये करती है ये बेसिक कैरेक्टर कैसे शो कर रहा है कि मीडियम से इसने क्या ले लिया है, एक प्रोटॉन ले लिया, क्योंकि जो एसिडिक एसिडिक शो कर देते हैं, एसिडिक फीचर शो करते हैं, वो प्रोटॉन डोनेट करते हैं और जो बेसिक होते हैं वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद बात करें, अगर हमने अमीनो एसिड को क्या किया, हमने अमीनो एसिड को यहाँ बेसिक मीडियम में रखा, कौन से मीडियम में रखा, बेसिक मीडियम। तो देखो बेसिक मीडियम में रखने पर क्या करता है ये एमिनो एसिड, यहाँ पर जो है अपना प्रोटॉन मीडियम में डोनेट कर देता है और इस तरह के कार्बोक्सिलेट आयन तो क्या बन जाता है, ये शो करता है इसकी एसिडिक कैरेक्टर को। ठीक है, अब क्योंकि इसमें एसिडिक और बेसिक फीचर दोनों है, इसी कारण जो एमिनो एसिड है वो कैसा है, यहाँ पर ये एक्सप्लोरेशन कर रहा है। उसके बाद बात करें, यहाँ पर अगर ऐसा होता है कि हमने इसको क्या क्या रखा, अगर हमने एमिनो एसिड को रख दिया बार, हमने इसको रखा है पीएच 7 पर, न्यूट्रल
जब इसको न्यूट्रल मीडियम में रखते हैं तो क्या करता है, एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, इसका फॉर्मेशन करता है, ये एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है जो क्या होता है एन एच पॉजिटिव, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ एल्किल ग्रुप CO2। ये जो सॉल्ट है इस पर क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज है, इसीलिए इसे ट्विटर आयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्विटर आयन। ये ऐसा आयन है जिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। अगर इलेक्ट्रिकली कहें तो ये न्यूट्रल है, इसलिए सॉल्ट भी न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल है, बाकी इस पर दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हो जाए। तो जो एमिनो एसिड है यहाँ पर ट्विटर आयन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये बेसिक और कैरेक्टर, बेसिक और एसिडिक फॉर्म कहते हैं। अब देखिए जो एल्किल ग्रुप है ना, एल्किल ग्रुप के डिफरेंस के आधार डिफरेंस इसके बेसिस पर क्या है, जो अमीनो एसिड है टू टाइप के होते हैं, टू टाइप होता है, टू टाइप। एक है एसेंशियल, एसेंशियल अमीनो एसिड, दूसरे हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। टू टाइप है, एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल। देखिए एसेंशियल क्या होता है, कि ऐसे अमीनो एसेंशियल, ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जिनकी सिंथेसिस हमारी बॉडी में नहीं होती है। विच अमीनो एसिड विच अमीनो एसिड आर नॉट सिंथेसाइज आवर बॉडी कॉल्ड एसेंशियल। क्या कहलाता है, एसेंशियल अमीनो एसिड कहलाते हैं। और आउटसाइड बाई डाइट, डाइट के द्वारा हम आउटसाइड से इसको एज ए फूड मटेरियल के रूप में लेते हैं। फूड मटेरियल, फूड में ये होते हैं हमारे, जनरली प्लांट में ये सभी पाया जाता है, प्लांट बैक्टीरिया। फिर बात करें यहाँ पर नॉन एसेंशियल की बात करते हैं, तो विच एमिनो एसिड्स आर सिंथेसाइज, इन आवर बॉडी कॉल्ड नॉन एसेंशियल इन्हें हमें डाइट में लेने की कोई आवश्यकता नहीं, नॉट रिक्वायर्ड इन डाइट, बट फिर भी हमको मिल जाते हैं डाइट। कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमको याद रखने हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे यहाँ बात करें तो एक मिथियोनिन है, इसमें आ जाता है। और यहाँ बात करें तो एक वेलिन है जो इसमें आ जाता है। एक यहाँ स्टीरिन है, स्टीरिन, और एक आर्जिनिन। आर्जिनिन और स्टीरिन क्या है, सेमी एसेंशियल, सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड क्यों है, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है,
जो ये भी होते हैं उनमें होती है, लेकिन जो एडल्ट बन जाते हैं उनमें नहीं। ठीक है, बाकी काफ़ी सारे हैं। दोनों में क्या है, नंबर इनका 10-10 होता है जनरली, 20 नंबर इनके पास है, 10 नंबर होते हैं और इनके भी जनरली 10 नंबर ही होते हैं। कुछ रिसेंटली रिसर्च हुई थी और भी तो जिन्हें भी खोजा गया। ठीक है, बाकी बात करें तो काफ़ी सारे हैं, जैसे फैमिली एलानी है, उसके बाद बात करें तो ल्यूसीन है, आइसोल्यूसिन है, ट्रिप्टोफैन, लाइसेंस, लाइसेंस पियोन, ठीक लेटर हैं उनका यूज किया जाता है, पहले तो आर्जिनिन को ए आर से, एक्सिनिन को एच आई एस से, टैलिन को डी के एम से, सारे जो सब करते हैं, मेथियोनिन को एच डी से। ठीक है, ये 10 हो गए। उसके बाद बात करें यहाँ के 10 नंबर्स की, आपको 10 याद नहीं रखने, कोई एक को भी याद रखने, आप एग्जाम में नहीं कर पाते हैं ज़्यादा, फिर भी को अगर करना हो तो जैसे यहाँ ग्लाइसिन होता है, फिर यहाँ ग्लूटामिन होता है, फिर यहाँ ग्लूटामिक होता है, फिर यहाँ एलानिन, एक होता है यहाँ पर टायरोसिन, प्रोलिन, फेरिन, एस्पार्टिक, तरह से क्या होता है इसको GLU, इसको GLN और इसको GL, इस तरह से टोटल 20 अमीनो एसिड। देखिए दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो अमीनो एसिड्स है वो जनरली टू फॉर्म में पाए जाते हैं। एक होता है कॉन्फिग्रेशन की बात करता दो तरह का लेकिन यहाँ पर कैपिटल डी और कैपिटल एम का यूज होता है, जो यहाँ पर डी एम एच
सा कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डी है, और अगर ये MH2 ग्रुप लेफ्ट साइड में है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन सेंट्रल में है। मोस्टली इन नेचर एल्फोन में नेचर में पाए जाते हैं, जो ज़्यादा होता है। ये होते हैं अमीनो एसिड्स, इनके बारे में हमने काफ़ी सारी बात की, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स के बारे में, प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन जैसे हमने कहा ये अमीनो एसिड से बन जाते हैं। तो जैसे ये एक अमीनो एसिड हमने लिया, ये एक अमीनो एसिड है, और अमीनो एसिड जो होते हैं ना, एक और छोटी सी बातें हैं जो अमीनो एसिड्स होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। क्यों ये करता है, क्योंकि यहाँ पर इसके पास दो हाइड्रोजन एक कार्बन जो उस पर चारों जो वैलेंस को डिफरेंट होनी चाहिए ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए, लेकिन इसके पास ये दो हाइड्रोजन, बाकी इसको छोड़ने के बाद सभी के सभी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में बात करें तो इस तरह से एक इसके साथ क्या होता है, एक और एसिड होते हैं क्या होता है इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यहाँ से वाटर रिन्यू क्या हो जाता है, वाटर रिन्यू होता है इसी तरह से वाटर वाटर से निकलने के इस तरह से बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड बनता है, ये जो बॉन्ड यहाँ पर आपको दिख रहा है इस बॉन्ड बॉन्ड बोलते हैं पेप्टाइड क्या बोलते हैं, पेप्टाइड जो बॉन्ड जनरली क्या होता है टू एमिनो एसिड्स आर सर पेप्टाइड बॉन्ड टाइप डाइपेप्टाइड है, क्यों कहा जाता है कि इसमें दो अमीनो एसिड्स क्या है इंक्लूड है, इसीलिए इसे
तो टेट्रा पेप्टाइड, पेप्टाइड और अगर मोर देन 10 पेप्टाइड तो भी है 12 पेप्टाइड ये कहानी शुरू हो जाती है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की स्ट्रक्चर। जनरली प्रोटीन की स्ट्रक्चर हेलिक्स और दूसरी कंट्री ये है बीटा। फिर बात करें तो फिर आती है टर्सरी और फोर्थ आती है क्वार्टरनरी। इस तरह से फोर टाइप की स्ट्रक्चर। देखिए जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन उसमें क्या होता है, एमिनो एसिड्स पावर स्पेशल मैनर में अरेंज। इसमें क्या होता है जैसे ये एक अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड, ये तीसरा एसिड। इस तरह से क्या होता है अमीनो एसिड जुड़ते रहते हैं, क्या बनाते हैं प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर। काफ़ी सारे अमीनो एसिड, लेकिन इसमें क्या खास बात है कि इसमें यहाँ पर ये वाला जो लेफ्ट साइड वाला है यहाँ पर हमको नाइट्रोजन देखने को मिलता है, और जो राइट साइड वाला है वहाँ पर इसलिए इसको क्या बोलते हैं एन एंड और इसको बोलते हैं। लेकिन इसके भी खास बात ये है कि इस स्ट्रक्चर से हम जो एमिनो एसिड्स हैं उनकी क्या बता सकते हैं पॉलिसी। एमिनो एसिड में पोजीशन हम उसको पता कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एमिनो एसिड होंगे, यहाँ पर मेथियोनिन हो गया, फिर यहाँ एलानिन हो गया, यहाँ वहाँ पर टायरोसिन हो गया, यहाँ पर ग्लाइसिन हो गया, यहाँ पर स्टेरिन हो गया, यहाँ पर एलानिन हो गया, यहाँ वापस से यहाँ पर एलानिन आ गया, यहाँ पर पहले एलानिन आ गया या यहाँ पर आ गया। इस तरह से क्या होता है अलग अलग अमीनो एसिड जुड़ते हैं। प्रोटीन जो होते हैं वो कैसी होती है, हेटेरोजीनियस स्ट्रक्चर प्रोटीन बाहर जो क्यों, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कि ऑल जो प्रोटीन पूरी पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर है वो एक ही प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बने, डिफरेंट डिफरेंट एमिनो एसिड जुड़ते हैं। इसमें हमको क्या पता होता है ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये हमको बताती है जो एमिनो एसिड की पोजीशन, जैसे मान लो 5, 7, 4, 6, 7, 8, 9 और 10 है, क्योंकि कौन सा एमिनो एसिड किस पोजीशन पर है ये हमको ये स्ट्रक्चर बताता है। ये थे प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर हमको लीनियर अमीनो एसिड देखने को मिलता है, ठीक है।
उसके बाद बात करें सेकंड ईयर, मतलब सेकंड स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर में हम बात करते हैं फॉर अल्फा, इसकी बात करते हैं अल्फा हेलिक्स। देखिए अल्फा हेलिक्स जो है इसमें क्या होता है, इसमें कुछ खास बात है, इसमें इट एग्जिस्ट देन आर्क, मतलब क्या है जब आर ग्रुप लार्ज होगा तब इसका फॉर्मेशन होगा, यह हेलिक्स फॉर्मेशन होगा। और देखिए यहाँ पर राइट हैंडेड स्क्रू स्क्रू होता है, इसमें हेलिक्स होगा विद द एन एच ग्रुप, विद द एन ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड और रेसिड्यू हाइड्रोजन बॉन्ड टू सी ओ ओ एडजेसेंट एडजेसेंट इस तरह से होता है, यहाँ पर एक टर्न आएगा या भी टर्न बड़ा ये टर्न आ गया, फिर एक और टर्न आ गया, इस तरह से क्या होता है इसमें हेलिक्स। अब इन हेलिक्स की क्या खास बात है, इसे मान लो यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन होगा उसका ये हाइड्रोजन, इनके बीच क्या होगा हाइड्रोजन। अगर यहाँ भी ऐसा भी सकता है कि मान लो यहाँ पर मान लीजिए हो इस तरह से क्या होता है, इनके बीच में क्या होता है ये हाइड्रोजन एवरी हेलिक्स में इस तरह के बॉन्ड होते हैं जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड। ये अल्फा हेलिक्स की बात है, और अब देखिए सेकेंड जो स्ट्रक्चर है इसमें, इसमें सेकेंड टाइप क्या है बीटा प्लूटेन, इसकी बीटा प्लूटेन बीटा प्लूटेन में क्या होता है, इस तरह के स्ट्रक्चर आपको यहाँ देखने को, यहाँ ये एक्सपेंड होते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर देखने को। यहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे मान लो यहाँ कार्बन ला लिया, मानो आप यहाँ पर कार्बन डबल वन, फिर उसके बाद यहाँ आर आ जाएगा, कार्बन ये कार्बन के बाद यहाँ पर एक आर मान लिया, उसके बाद फिर नाइट्रोजन आ गया, ट्राई कर सकते हैं इसको देखने को। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जनरली नाइट्रोजन तरह से यहाँ पर ये फॉर्मेशन चलता जाएगा। अब ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं,
ब्रेन पोजिशन आपको बताना है आपको। इसी तरह से क्या है आपको पैटर्न बोलते हैं, क्या है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इस तरह की इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को मिलती है जिसमें बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। इसी तरह से यहाँ पर बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर बनती जाती है, यहाँ पर भी फिर ये आर आ जाता है हाइड्रोजन, ये इस तरह से चलता रहता है और डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड बनते हैं भी इधर से फिर उधर से। इसमें कुछ खास बातों पर आपको स्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है नहीं, जल्दी जल्दी अगर पूछा जाता है तो हम बना सकते हैं। देखो इसमें क्या होता है, बीटा प्लेटेड की अगर हम बात करें ये कब बनती है, इट इज एडजस्ट व्हेन आर ग्रुप इज स्मॉल। जब आर ग्रुप कैसा हो, स्मॉल हो, तो ये स्ट्रक्चर फॉर्म, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो कि हम देखिए अभी हमने बनाई थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमको यहाँ देखने को मिलती है जो कि कैसे होती है, कार्बन इस तरह की हाइड्रोजन इसमें देखने को मिलती है। यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज का फॉर्मेशन क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज का फॉर्मेशन होता है, इसमें कार्बोक्सिलेट आया और मतलब एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव बनेगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज देखने को सॉल्ट ब्रिज अट्रैक्शन आता है। इसमें इनमें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्या होती है, हाइड्रो फोबिक सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में, टर्शियरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, बाकी बाकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये वाला जो फीचर है ये सेकेंडरी का टर्शियरी का, ठीक है। ये वाला फॉर्मेशन टर्शियरी को देखने को मिलेगा, ये सेकेंडरी में यहाँ पर। तो जो हमने बताई वही बातें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है और पेप्टाइड, इसमें क्या होता है और पेप्टाइड चेन आर स्ट्रेच आउट टू नियरली मैक्सिमम मैक्सिमम एक्सटेंट मैक्सिमम एक्सटेंशन जो करते हैं एंड देन साइड बाय साइड विचार तो जब अलग अलग में फॉर्म होगा यहाँ पर क्या होता है, एक के बीच में क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन है जिसके साथ बॉन्ड बनाएगा और यहाँ डिफरेंट डिफरेंट होगा और अलग अलग चीज़ों को बनाएगा, इतने ज़्यादा नहीं बनेगा अगर आपको कुछ फिर बात करते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर की और जो है देखिए टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, यहाँ पर कुछ बॉन्ड होते हैं। पहली बात तो इसका फॉर्मेशन होता है एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होती है, फर्दर फोल्डिंग होती है और फर्दर फोल्डिंग में और फोल्डिंग होने से क्या बनता है,
टर्शरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन, सेकेंड जो प्राइमरी होती है उसमें और ज़्यादा क्या होता है, फोल्डिंग होती है। अब इसमें कुछ बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड टर्शरी स्ट्रक्चर, बॉन्ड ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछ ली जाती है इसमें पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड तो इसमें होता ही है, हाइड्रोजन बॉन्ड तो कंडक्ट होगा ही। फिर इसमें हमको एक इम्पोर्टेंट बॉन्ड देखने को मिलने वाला है, वो है डाई सल्फाइड, डाई सल्फाइड बॉन्ड आपको काफी देखने को मिलेगा, सॉल्टिक बनेगा यानी कि क्या होगा, इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन इलेक्ट्रो और यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी यहाँ देखने को मिलने वाली। और यहाँ पर एक वीक बॉन्ड जो है वो भी हमको देखने को मिलेगा, वो है वाटर फोर्स, इस तरह से कुछ बॉन्ड हैं जो हमको देखने को मिलते हैं जिसका टर्शियरी स्ट्रक्चर में। टर्शियरी स्ट्रक्चर की खास बात क्या है कि ये बायोलॉजिकली एक्टिव है, बायोलॉजिकली एक्टिव ये स्ट्रक्चर हमको एंजाइम में देखने को मिलती है। साथ में टर्शियरी स्ट्रक्चर में हमको दो तरह की स्ट्रक्चर और देखने को मिलता है, जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होती है तो प्रोटीन जो है टू टाइप की शेप शो करते हैं इन टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन। तो जो करता है ये एग्जाम में पूछी जाती है आपके, एक है यहाँ पर फाइब्रस और एक है ग्लोबुलर, फाइब्रस यहाँ पर जो पॉली फाइबर्स की क्या है, यहाँ पर जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो कैसी होती है, वो पैरेलल होती है। तो देखिए यहाँ पर लोग हैं तो लाल क्लास को एंड करते हैं, तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें धन्यवाद, मिलते हैं।